Good morning, class. Today we have started the revision class of exercise 2.2, where you have to fill such like of fill in the blanks. ये fill in the blanks आप पिछले क्लास में भी करके आए हो. मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी. इक्वल टू साइन है, यानी दोनों साइड की वैल्यूज सेम है. आप देखो इस साइड में क्या है, 27,943, उसके बाद प्लस साइन 35,961. इक्वल टू साइन के बाद 35,961 है, प्लस साइन है, डैश है. तो देखो बोथ साइड्स 35,961 आर सेम एंड प्लस साइन भी सेम है. फिलअप्स में यहाँ पे फिलअप्स है और यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर मिसिंग है. तो आप ओबियसली ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, तो बोथ साइड्स की वैल्यू सेम हो जाएगा, राइट. सो आपको ये डिजिट आपको यहाँ पर लिखना है तो आपका फिलअप्स कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिख रहा है, क्या है, द सक्सेसर ऑफ 99,999. सक्सेसर मीन्स कोई भी नंबर की सक्सेसर मीन्स प्लस वन. कोई भी नंबर के आप सक्सेसर ढूंढो, आपको उस नंबर से प्लस वन करना है, राइट. सो आपको 99,999 से आपको प्लस वन करना है. अगर आप 99,999 से 1 प्लस करते हो तो आपका क्या आता है, 1 लाख. तो आपको यहाँ पे 1 लाख डिजिट लिखना है. ये चीज़ आपको बुक में नहीं कॉपी में करना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में है 37,005 प्लस 0 इक्वल टू डैश. आपको कोई भी नंबर अब 0 से प्लस करोगे तो वही नंबर वापस आता है, यानी ये नंबर आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41,052 प्लस डैश इक्वल टू 41,053. 41,052 प्लस डैश 41,053. देखो डिजिट लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है. ये डिफरेंसेस क्या है, यानी यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आपको ऐड करना है जो ऐड करने से इसके साथ ये नंबर आए. सो आपका ये नंबर ग्रेटर नंबर है तो इस नंबर से इसको आप माइनस कर दो, ठीक है. देखो मैंने आपके लिए 41,053 से मैंने डिफरेंसेस देखा है, मैंने माइनस 41,052. जहाँ पे 3 माइनस 2 1 आ रहा है, 5 माइनस 5 0 मैं लिखूँगी नहीं, 0 माइनस 0 मैं नहीं लिखना है मुझे, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 4 माइनस 4 0. इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड की जीरोस की कोई वैल्यूज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ. सो दोनों के डिफरेंसेस 1 है, तो आपको अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो इन दोनों को प्लस करके ये आएगा. अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो आप देखो क्या आता है, 2 प्लस 1 3 5 0 1 4 आया ना. सो ऐसा कोई नंबर है जो कि ग्रेटर नंबर मेंशन है और यहाँ पे एक नंबर मेंशन है और दूसरा फिलअप से. सो ग्रेटर नंबर से जो दिया हुआ नंबर है, गिवन नंबर है, उसको माइनस करोगे तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगी. ऐसे ही आपको इस तरह के फिलअप्स करने पड़ेंगे आपके टेस्ट में, ये चीज़ आपको टेस्ट में मिलेगा. अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी पेज नंबर 29 में एग्जांपल 12 में है 2456 एंड 5962. चेक द आंसर बाय एडिंग इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर मींस एक ऑर्डर में मैंने किया उसके ऑपोजिट ऑर्डर में करूँगी रिवर्स. अगर मैं इस तरह से घूम रही हूँ तो रिवर्स अगर घूमना है तो मैं इस तरह से घूमूंगी. मैं ऐड करूंगी ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर. आपका डिजिट से 2456 5962 दोनों को प्लस करके 8418 आ रहा है, राइट. अब आपको ये जो ब्लू कलर के डिजिट है ये जगह खाली रहेगा, यहाँ पे आपको इन दोनों को प्लस करके लिखना है. पहले 62 किया था,
अब 2 + 6 करेंगे, 2 + 6 8, 6 + 5 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी पे, 9 + 1 10, +4 14, 1 कैरी पे, 5 + 1 6 + 2 8। इस तरह के आप इस तरह से आपको रिवर्स करना है, पहले आपको ऊपर से नीचे, देन आपको नीचे से ऊपर। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया वो क्यों दिखाया आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी है, एट चेक द आंसर, आपको ऐड करना है और आंसर चेक करना है। आप पहले 3,452 के साथ 4,356 को प्लस करेंगे, 2 + 6 8, 5 + 5 10, 1 कैरी, 4 + 1 5, +3 8, 3 + 4 7, कर लिया। आप देखो ऊपर की जगह खाली है, यानी मुझे, और यहाँ पे एक एरो साइन है ऊपर की तरफ, यानी आपको मुझे रिवर्स करना है, 6 + 2 8, 5 + 5 10, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 4 + 3 7, देखो 7808, 7808, 7808, दोनों सेम हुआ, यानी मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। जब ये दोनों सेम होगा तब आपका आंसर करेक्ट होगा। इसे कहते हैं ऐड बाय चेक रिवर्स एडिंग, आप पहले ऊपर से नीचे कर रहे हो फिर नीचे से ऊपर कर लो। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट करना है रिवर्स एडिंग के माध्यम से। अब मैं क्वेश्चन सी करवाऊंगी, जहाँ पे आपको एस्टिमेट ईच सम, एस्टिमेट सम निकालने हैं और फाइंड एग्जैक्ट सम भी निकालने हैं। आप चैप्टर 1 में राउंडिंग ऑफ सीखे हो, राउंडिंग ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। अब बेटा आपको जब 10 में राउंड ऑफ करना है ना, तो जो डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है उसका वंस को फॉलो करोगे, किसको, वंस को, ठीक है। जब आपको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तब डिजिट के टेंस को फॉलो करोगे, और जब थाउजेंड में करना है तब आप डिजिट की हंड्रेड्स को फॉलो करोगे। ऐसा क्यों है अभी समझ आ जाएगा। आपको मालूम है अगर 1 से लेके 4 तक डिजिट है तो वो पहले 10 में राउंड ऑफ होता है, राइट, 1 to 4, और 5 to 6, 5 to 9 नेक्स्ट 10 पे राउंड ऑफ होता है, नेक्स्ट 10 पे, है ना। यानी अगर 11 to 14 10 पे राउंड ऑफ होगा और 15 to 19 20 पे राउंड ऑफ होगा। ये 11 ना होगा, अगर 21 और 24 हो तो ये 20 पे राउंड ऑफ होगा, ये अगर 25 या तो 29 होता तो ये 30 पे राउंड ऑफ होता, यानी अगले 10 पे, राइट। तो अगर आपका वंस अगर 5 से ज़्यादा हो, 5 to 9 के अंदर हो, तो क्या होगा, ये अगले 10 यानी 50 के अगला 10 कौन है, 60 पे राउंड ऑफ होगा, और 72 वंस में 2 है तो ये 70 पे राउंड ऑफ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका राउंड ऑफ, मैं इसका भी राउंड ऑफ करा देती हूँ, 315 ये आपका 100 पे राउंड ऑफ करना है। आप टेंस की डिजिट को देखोगे, टेंस की डिजिट 1 है, यानी ये आपके 300 पे राउंड ऑफ होगा। यहाँ पे टेंस की डिजिट 2 है, ये 1 ये 2, अगर 5 या तो 6 7 8 9 में से कोई एक नंबर होता तब ये 400 हो जाता और ये 500, एज बिकॉज टेंस की डिजिट जो है वो 1 है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है 2, इसलिए मैं 400 करूँगी इसको, 500 में नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट है 1000 में राउंड ऑफ, 3,892, 100 की डिजिट देखो 5 से बड़ा है, सो आपको 3000 बन जाएगा 4000। यहाँ पे 100 की डिजिट में 3 है, 5 से छोटा, तो 5000 ही रहेगा, ये 6000 नहीं बनेगा। जैसे 4000 बन गया क्योंकि ये 5 से बड़ा है, मगर ये 300 जो है ये 5 से छोटा है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए मैं इसको 500 पे ही राउंड ऑफ करूँगी। यानी जब
टेन पे आपको नियरेस्ट टेन पे राउंड ऑफ करना है तो वंस के डिजिट को फॉलो करोगे जो कि फाइव से बड़ा या फाइव हो, तो ग्रेटर नंबर पे यानी 56 60 पे राउंड ऑफ हुआ, और 72 के टू वंस में है और टू फाइव से छोटा है इसलिए मैं 70 पे राउंड ऑफ किया। यहाँ पे 100 पे करना है तो टेंस के डिजिट फॉलो करोगे, ये 5 से छोटा है तो 300 300 ही रहा, 400 400 ही रहा क्योंकि 2 5 से छोटा है, 3000 आपके 1000 की राउंड ऑफ है सो 100 के डिजिट फॉलो करो, 5 से बड़ा है तो 4000 बन गया 3000, और 5300 है तो इसीलिए ये 5000 पे राउंड ऑफ हुआ। आप एस्टिमेटेड सम, ये एस्टिमेशन हो गया, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखोगे राइट, और एग्जैक्ट सम इनका ये है एक्चुअल नंबर तो इसका सम आप लिखोगे 6+2 8 और 5+7 12। इस तरह से आपको इसका एग्जैक्ट सम यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट सम यहाँ पे, और जो राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन की हो उसका सम यहाँ पे लेके कंप्लीट करना है। ओके, अब आ गया क्वेश्चन नंबर डी, वेर यू कैन सी द क्वेश्चन इज एड हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द सम। ये जो लाइन है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल राइट, अगर आपको 48 21 रहता तो ये कॉलम है, आपको कॉलम में अरेंज करके लिखना है, मगर ये नहीं है ठीक है। आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि जैसा है हॉरिजॉन्टली वैसा ही आपको क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर डी हम स्टार्ट करेंगे, वेर यू कैन सी द क्वेश्चन इज एड हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द सम। Horizontally means इस तरह अगर कोई चीज़ लिखा रहता है तो इसे कहते हैं horizontal, और इस तरह अगर कोई चीज़ लिखा रहता है इसे कहते हैं vertical। तो आपका जो sum है ये दोनों इस तरह लिखा है साइड साइड में राइट, 48+21 इक्वल टू को क्या करना है, आपका जो वंस है वंस को पहले आपको डिसाइड कर लेना है, 48 के 8 वंस में है, 21 के 1 वंस में है तो 8+1 9, और ये टेंस में है 4, इसके टेंस में है 2 तो 4+2 6। देखो इसका वंस में कौन है 2, इसके वंस में कौन है 5, 5+2 7, इसके टेंस में है 2, इसके टेंस में है 2 2 2 2+2 4, इसके हंड्रेड्स में 6, इसके हंड्रेड्स में 2 6+2 8। इस तरह से आप आपके जो प्लेस है प्लेस आप मेंशन करके वंस टेंस हंड्रेड करके इसको आप इंडिकेट कर सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि किसके साथ किसका मैच होगा। पहले ही आप वंस टेंस हंड्रेड मत लिखो, वंस को इंडिकेट कर लो, वंस लिख के 8+1 9 हो गया, आप टेंस को इंडिकेट कर लो 4+9 13, वन कैरी पे हंड्रेड्स करो 3+1 4+1 5, इस तरह से आपको ये मैथ्स कंप्लीट करना है। सो योर होमवर्क इज रिविजन वर्क, डन द रिविजन वर्क ऑफ एक्सरसाइज 2.2। जो स्टूडेंट फेयर नोटबुक में ये काम कंप्लीट नहीं है किए ना वो फेयर नोटबुक में करेंगे, और जो कर चुके हैं वो प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। Thank you class for watching my video. Have a nice day. Take care.